उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और सुबह सुबह वही किचन का काम, तो मैं भी किचन में आ चुकी हूँ और मैंने बनाए हैं चावल के पराठे। और अगर आप चावल के पराठे पूछना चाहते हैं, लेडीज जो होता है कभी कभी पूछती हैं, तो मैं बता दूँ ये जो रखे हुए चावल होते हैं इनको फ्राई करके इसमें लहसुन नहीं मिर्च और नमक डाल करके मैंने फ्राई कर लिया है और उसके बाद इनको भर के बना लिया। और रियल में बहुत ही कुरकुरे बनते हैं और अच्छे बनते हैं। तो फिलहाल आज मैंने वीडियो नहीं डाली थी, मतलब कि ये वीडियो तो कल आएगी, तो ये वीडियो नहीं डाली थी। उसकी वजह से ये था कि मेरा थोड़ा सा बीपी जो है वो लो हो गया था, क्योंकि मुझे बीपी लो का थोड़ा सा इशू है। तो फिर बीपी जब लो हो जाता है तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैंने कुछ डाला भी नहीं। आज थोड़ा सा ठीक है और हल्का सा सिर में दर्द आज भी है, और क्यों है वो मैं आपको वीडियो देखते रहिए आप बता दूंगी कि मेरे मतलब क्या रीज़न था कि जो मुझे सिर में दर्द था। एक तो हुआ कि जो टाइल वाले अंकल थे जो टाइल लगा के गए हैं, वो जो है उन्होंने जो जितने भी फ्लोरिंग लगाया ना वो सारा फ्लोरिंग उखड़ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना करे कोई और भरे कोई। उनको आँख से नहीं दिखाई पड़ता था, पर उन्होंने ये बात छुपाए रखी, और छुपाने के बाद उन्होंने ये भी चीटिंग की कि मतलब उनको फ्लोरिंग लगानी ही नहीं आती थी, क्योंकि तीन तीन बार वो उखाड़ चुके थे। और तीन तीन बार आँखों का प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इतनी अगर आपको फ्लोरिंग को इतनी बार उखाड़ रहे हो इसका मतलब कि आपको लगानी नहीं आती है। तो उन्होंने ये चीट किया हमारे साथ। और होता क्या है, जब आप खुद अच्छे होते हो ना तो आप उसी नज़रों से आप दुनिया को देखते हो, क्योंकि आपको लगता है ना, कहते हैं ना कि सावन केंदे को सवारा दिखता है, तो वही हमारा हाल है कि मतलब हमें हम अच्छे हैं तो हमें लगता है कि सारे लोग अच्छे होंगे और सारे लोग ईमानदार होंगे। मैंने ट्रस्ट कर लिया और ना सारी फ्लोरिंग जो है वो सारी फ्लोरिंग उखड़ रही है, मेरे चढ़ते ही कुछ चार हो रही है और मुझे पता है टूट जाएगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं जो है सुमानी की लाई थी 370 की पेटी आती है इसकी, और सुमानी बहुत अच्छी टाइल है, मतलब कि ब्रांडेड है, सुमानी कजारिया तो ब्रांडेड है, और ब्रांडेड टाइल ला के दी थी उनको, तब भी उन्होंने टाइल की ऐसी तैसी कर दी। तो कहते हैं ना सजा करता कोई और है, सजा किसी और को मिलती है। फिलहाल इसलिए मेरा तो मतलब तो कल थोड़ा सा वो था कि मतलब कोई चीट करता है ना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि टीचर हूँ ना, तो टीचर होते टीचर एक ऐसा मतलब ऐसा प्रोफेशन है कि वो चीट नहीं करता है, तो मैं भी चीट नहीं करना पसंद नहीं करती हूँ। तो फिलहाल खा लेते हैं पराठे, क्योंकि जो है पराठे हो जाएंगे ठंडे तो मजा नहीं। नहीं मुझे अच्छे लगते हैं, उनको बहुत पसंद है। और कहते हैं ना कि वैसे भी खाना जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कि कोई चीज अगर बच जाए, अगर आप उसे यूज कर सकते हैं तो जरूर यूज करना चाहिए। तो हमारी फैमिली जो भी खाना है उसको वेस्ट करना पसंद नहीं करती है। ये तो खाने को वेस्ट किया, बच्चे का जब टिफिन आता है स्कूल से उसमें भी बैठा कुछ बच जाएगा तो तुरंत ही फ्रिज में रख देंगे कि खराब ना हो। हाँ ये बात तो है, मतलब मुझे पसंद नहीं है वेस्टिंग ऑफ फूड। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने यहाँ सब्जी काटने बैठ गई हूँ, पर ये जो बैगन है ना इसमें इतने सारे कीड़े हैं, जबकि सब्जी वाला कह रहा था बहुत अच्छे बैगन है मैडम जी, पर इतने कीड़े हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे कीड़े इसमें निकले, कि कुछ भी बैगन नहीं निकला और कीड़े कीड़े निकले। और फिलहाल मैंने सब्जी जो है थोड़ी सी पालक बची थी तो डाल के बना ली है, और फिर मैं लग गई हूँ अपने काम में। और आज मैंने सोचा था कि कुछ जो है मतलब कि घर में चेंजेस करूँगी, कहते हैं कभी कभी घर को कुछ बदल देना चाहिए, क्योंकि कुछ बदलने की आदत थोड़ी सी आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, क्योंकि आपको ही लगता है कि आपका घर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस मैं इस ड्रेसिंग को खिसकाने वाली हूँ, हालाँकि ड्रेसिंग बहुत भारी है, पर क्योंकि मार्बल की फर्श है तो इसके नीचे अगर जो हम कोई चीज़ रख करके मतलब कोई डोरमेट वगैरह रख करके खिसकाएँ तो यार आसानी से खिसक जाता है। फिलहाल मैं तो इसको ऐसे खिसका रही हूँ, क्योंकि फर्श पे जो है वो पॉलिश लगी हुई है, और पॉलिश लगने की वजह से ये जो है ताकत तो लगती है पर ये खिसक जाता है। बता दूँ फाइनली जो है ये इधर हो गया, और मेरे हस्बैंड जो है ना अभी बेटी को लेने गए, तो इसलिए मैं कर लिया, वरना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं जो है भारी चीज़ों को इधर उधर करूँ
और खुद भी अगर उनसे कहो ना तो वो करने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं, इसलिए मैं उनके एब्सेंस में करती हूँ। नहीं तो पता है मुझे इन चीज़ों के लिए बहुत डांट पड़ती है। और मेरे हस्बैंड ना कहते हैं हमेशा, तुम हमेशा इंटीरियर चेंज कर करके ना मेरा दिमाग खराब करती रहती हो। और यहाँ आविष्का कर रही है लंच, क्योंकि स्कूल से आ चुकी हैं और इनको नहीं भा रही है वो पालक की सब्जी, तो हमारे लिए आपने पालक पनीर सब्जी तो इनके लिए थोड़ा सा पनीर का सब्जी मैंने बनाया क्योंकि मुझे पता था, पर फिलहाल इन्होंने सब्जी आधी खा ली है तो ठीक है, पालक वालक थोड़ा तो पेट में चला गया। और ये देखिए एक ही रूम में सब एडजस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ इसी रूम में सबसे ज्यादा है ठंडा, तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड भी सेटल हो गए, तो सारी फैमिली एक ही रूम में सेटल है क्योंकि जो है यहाँ थोड़ा एसी वीसी चलता है तो अच्छा भी लगता है। बाकी तो गर्मी बहुत हो जाती है, भगवान दो दिन बारिश करते हैं खूब तेज से और उसके बाद भी भगवान भी ठंडे पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स हो गया है काम धाम और बैठी हुई थोड़ा शांति से हवा ले रही हूँ, आराम कर रही हूँ। और मैंने जो है कल बनाए थे काली माता जी पे दो शॉट बनाए थे, और ये देखिए मेरे बाबा क्या कर रही है, मेकअप फॉर शॉट। और मैं जो है रियल बहुत मेहनत है इस मेकअप को करने। सो हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं मैंने गेटअप लिया है काली माँ का और मैं जा रही हूँ काली माँ का जो है शॉर्ट्स बनाने। और आप मेरे जो बिंदु द्विवेदी यूट्यूब शॉर्ट्स पे जरूर देखिएगा, तो अभी तो फिलहाल मैं काली काली हो गई तो आपको पहचान में नहीं आ रही हूँ, पर मैं हूँ बिंदु द्विवेदी ही हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो शॉर्ट को देखिएगा, पसंद आए जरूर लाइक करिएगा। दो शॉर्ट बनाए थे और उसमें काफ़ी लोगों ने तो बहुत अच्छे कमेंट्स किए और कुछ लोगों ने मुझे पागल कहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता भगवान भी पागल होते हैं क्या, और नारी एक शक्ति है, अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसमें बुराई क्या है भाई, नारी क्या इतना मतलब शक्ति नहीं है, या अपने घर की लेडीज को ऐसे रिस्पेक्ट देते हो। तो फिलहाल काले की बात करें तो जैसे काली माता जी हैं वो काली थी, जो कृष्ण भगवान है वो भी काले थे, तब भी लोग उनकी पूजा करते हैं, पर अगर संसारिक रूप में यानी हम अगर संसार में अगर लोग काले पैदा हो जाते हैं तो लोग बड़ी ही टेंशन में आ जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जब मेरी मैं बताती हूँ मेरी शादी की सच्चाई कि मेरी जब शादी तय हुई थी, मैं बीच की हूँ लड़की, मतलब मेरी पहले से दीदी है फिर मेरी मैं हूँ, तो इन मतलब मेरे हस्बैंड के जो मौसी के लड़के हैं वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ते थे, और मैं जो है वहाँ पर कहते कि होता है होली होली में होता है अक्सर जो है लड़के एक दूसरे को रंग लगा देते, तो मुझे भी को रंग लगाने आया था, तो मैंने उसको खींच के लगा दिया था, गाल पे जड़ दिया था, तो उसको बड़ा पसंद आया था इनके मौसी के लड़के को, और फिर बाद इनके अंदर से मेरा रिश्ता आया, उनको लगा कि बड़ी डिसिप्लिनड लड़की है, तब भी मैं टीचर थी तभी मैं पढ़ाती थी, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट था, तो फिर मेरा रिश्ता आया था, तो मैंने फ़ोटो भेजी थी इनके घर में, सब लोग फोटो मांगा था फोटो, तो फोटो भेजी थी, तो मेरी सास को बड़ी टेंशन हो गई थी कि देखने में तो बड़ी फेस कट बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं कि फोटो में गोरा वोरा करके भेज दिया हो क्योंकि आजकल फोटो, फिर वो शिवरात्रि के दिन मुझे देखने आई थी, तो मैं बहुत ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत दूध जैसी गोरी हूँ, पर हाँ मेरा रंग जो है जैसा आपको दिख रहा है ऐसा ही है, और दिल्ली में आके रंग मेरा ज़्यादा साफ़ हो गया है, पहले तो कॉलेज लाइफ में होता था तो स्कूटी ले लिया, हेलमेट लगाया है नहीं लगाया इसी तरह चल देते थे, तो फिलहाल फाइनली जो है इनको नहीं ऑब्जेक्शन था क्योंकि इनको एजुकेटेड लड़की चाहिए थी दिल्ली में जो एडजस्ट कर सके, ससुर जी को टीचर चाहिए थी तो वो टीचर मिल गई, बाकी दो लोग को थोड़ा रंग जो है मेरा उस समय हल्का सा दबा हुआ था, मैं जैसे सांवली थी तो ये हो रहा था कि एडजस्ट हो पाए कि ना हो पाए, पर फिलहाल ये कहते हैं ना ऊपर की डेस्टिनी जो लिखी होती है ना वो उसके साथ हो जाती है, और आज शादी हो गई और अच्छे से कट भी रही है, और टेंशन में आ जाते हैं सास, मतलब कहते हैं ना सास वास होती हैं जिठानी बट टेंशन में आ जाती हैं कि काली होगी ये वो, मतलब एक ही औरत एक औरत की दुश्मन बन जाती है आप सभी को पता है तो चलिए मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, रेस्ट करने के बाद फिर अभी लोग कंटिन्यू करूँगी। नहीं क्या
आज से आम खाना बंद। और फ्रेंड्स ये वो जीने के नीचे यानी सीढ़ियों के नीचे का पोर्शन है जहाँ पर जो है काफ़ी गंदा हो गया है, क्योंकि इसी फ्लोर पे काम हो रहा था, सारी डस्ट जम गई थी, तो मैंने सोचा आज इसको साफ़ कर देती हूँ। और ये बल्कि मेरा किचन नहीं बल्कि एडिशनल पार्ट है जहाँ पर मैं पहले जो है बर्तन वाली लगाती थी, तो यहीं पर बर्तन वगैरह धो के जाती थी, क्योंकि जो है मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे किचन में आकर के बर्तन वगैरह धुले। और फिलहाल अब तो मैंने हटा दी है क्योंकि जो है लॉकडाउन में जो है सब लोग ने काम करना बंद कर दिया था, तो बर्तन वाली भी चली गई। उसके बाद फिर मैंने दोबारा लगाया नहीं क्योंकि मुझे ना किसी और का काम जो इतना पसंद नहीं आता, मैं अपने हाथ से ही सारा काम करना पसंद करती हूँ। और फिलहाल जो है ये नीचे का पोर्शन जो है मैंने अपनी हाइट का ही बना रखा है क्योंकि इससे ज़्यादा इसकी हाइट हो नहीं सकती थी, तो यहाँ पर आसानी से जो है मैं यहाँ पर काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर भी इसकी साफ़ सफाई मैंने यहाँ पर कर ली है, देखिए यहाँ की मैंने सफाई कर ली है। और मैं इसी तरह अपना जो थोड़ा सा भी टाइम अगर होता है तो मैं उसको यूटिलाइज कर लेती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा म्यूज़िक बजा लेते हैं ना, म्यूज़िक सुनने को तो नहीं मिलेगा आपको, पर हाँ मैं थोड़ा नाच लूँगी। और ये मैं दिखाती हूँ वो टाइल्स जो अंकल जी ने ख़राब कर दी थी, ये देखिए यहाँ से सारी जो है ना बीच से दरार पड़ गई है और सारा सीमेंट जो है पहले दिन मतलब कि अभी बिल्कुल नई नई टाइल्स से हट गया है। और इन पर जब चढ़ो तो ये ऊपर नीचे होती हैं, मतलब कि फ्लोरिंग जो है उनको सेट नहीं करना आती थी, चार चार तीन तीन बार वो बार बार निकाल रहे थे और वो सेट नहीं कर पा रहे थे, फाइनली जो है उन्होंने पूरा फर्श खराब कर दिया है। फ्रेंड्स देखा आपने कितना बिजी रूटीन होता है, और मेरा जो सिर में दर्द हो रहा था ये तो ये जो होता है ये सिर में दर्द इसलिए हो रहा था मुझे क्योंकि मैं जो चश्मा लगाती हूँ, और मतलब जब चश्मा नहीं लगाती हूँ तो मैं लेंसेज पहनती हूँ, और लेंसेज पहनने के बाद मेरे आईज का कलर हो जाता है थोड़ा चेंज। तो आप लोग ध्यान करके बताइएगा कि रियल में मेरे आईज का कलर क्या है, तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा, जो फुल वीडियो देखेंगे वो बता पाएंगे। और बस इस वीडियो को जो है मैं दो पार्ट में डाल रही हूँ, तो एक ये वीडियो आपने देख लिया है और ये नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी तो देख लीजिएगा। और आपको जो है वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और बस कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है दोस्त।